तो वेरिकोस वेन होती हैं हमारे पैरों में गंदे खून की नस जो हार्ट तक गंदा खून ले जाती हैं, इन्हें हम शिराएं कहते हैं। अब ये शिराएं जो पैरों में होती है दो तरह की होती है, एक अंदर की तरफ होती हैं और एक बाहर की तरफ। वेरिकोस वेन में क्या होता है, जो बाहर की तरह की शिराएं हैं वो फूल जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है इन शिराओं में जो वाल्व होते हैं जो खून को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं हार्ट की तरफ, वो वाल्व ख़राब हो जाते हैं। अब ये ख़राब क्यों होते हैं, ये ख़राब इसलिए होते हैं कि कुछ लोगों का बहुत लंबे खड़े रहने का काम होता है, जैसे पुलिस कर्मी हो गए, गार्ड हो गए, हम एज सर्जन्स हो गए जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, या गृहणियाँ हो गई हमारी जो घर में जो काम करती हैं, हमारी गृहणियाँ जो दिन भर खाना बनाती रहती हैं खड़े होके, उनके पैरों में ये दिक्कतें हो सकती हैं। वेरिकोस वेन पैरों में कैसे नज़र आती है, वेरिकोस वेन पैरों में फूली हुई नीली या काली नसें नज़र आती हैं और धीरे धीरे इनसे पैर काला पड़ने लगता है। फिर जैसे जैसे पैर काला पड़ने लगता है उसमें जख्म बनने लगता है। जब इन शिराओं के वाल्व ख़राब हो जाते हैं तो जो खून है वो नीचे पैरों में इकट्ठा होता रहता है। इस खून के इकट्ठे होने की वजह से जो हमारी त्वचा है, खाल है, उससे ब्लड का रिएक्शन होता है, रक्त का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जिससे पैर काला पड़ने लगता है। उसके बाद क्योंकि खून वहाँ पे रुका हुआ है तो वो धीरे धीरे गंदा खून बन जाता है और इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है, इसलिए वहाँ पे जख्म होने लगते हैं और ये जख्म भरने में काफ़ी टाइम लेते हैं और पेशेंट को बहुत इनसे प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इनसे बहुत गंदी स्मेल भी आती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वेरिकोस वेन पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। वेरिकोस वेन आजकल हमारी लेटेस्ट टेक्निक जिसे हम RFA कहते हैं, जो एक ही बहुत अच्छी टेक्निक है। क्यों, क्योंकि पहली बात इससे हम वेरिकोस वेन की पूरी तरह से जड़ ख़त्म कर देते हैं, दूसरा इसमें कोई चीरा नहीं नज़र आता पैर में, तो कॉस्मेटिकली दिखाई देने के लिए भी एक बहुत अच्छी सर्जरी है, और तीसरा इसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। जिस दिन हम RFA का ऑपरेशन करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से पेशेंट के वेरिकोस वेन को ठीक करते हैं, उसके अगले दिन ही हम पेशेंट को चला देते हैं और उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, और लाइफ लॉन्ग पेशेंट को कभी भी फिर वेरिकोस वेन की दिक्कत नहीं होती। और इसमें सावधानियां क्या रखनी होती हैं, जैसे किसी को हो गया तो वो क्या करे प्राथमिक दृष्टि में। देखिए प्राथमिक स्टेज में तो अगर आपको वेरिकोस वेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा फूली हुई नसें आपको पैरों में दिख रही हैं, रात में बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, पैर काले पड़ रहे हैं, उनमें अल्सर बन रहे हैं, तो सबसे अच्छा इलाज यही है कि जल्दी से जल्दी आप सर्जरी करा लो, क्योंकि वेरिकोस वेन के लिए कोई भी आज तक दवा नहीं बनी है। इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बहुत लंबे खड़े रहने वाला काम है तो एक घंटे से ज़्यादा एक जगह पे खड़े मत रहिए, थोड़ी सी वॉकिंग कीजिए बीच में। दूसरा काफ एक्सरसाइजेस कीजिए, एक जगह खड़े होके अपने पंजे से ऊपर नीचे होइए। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी सी नीली नसें आपको पैरों में दिखाई दे रही हैं तो आपके पास में कोई वैस्कुलर सर्जन होगा या KMC हॉस्पिटल में जहाँ 24 आवर इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप आ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और फिर स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, जिससे ये तकलीफ़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। किंतु अगर ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब पैरों में आपको ज़्यादा फूली हुई नसें दिखने लगती हैं या पैर आपके एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर इसके लिए एक ही माध्यम बचता है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का, जिसमें हम जो एक सटीक टेक्निक है इस चीज़ को ठीक करने के लिए पूरी तरह से। अब तक कितने इस तरह के केसेस आपने देखे हैं और उनमें मतलब कुछ क्या आपने कुछ नया रिसर्च किया है अभी तक जो आपने किया होगा। जब से मैंने KMC ज्वाइन किया है तो मैंने आसपास ऐसी प्रॉब्लम बहुत देखी है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, खासकर मिलिट्री के लोग या घर की गृहणियाँ जो दिन भर काम करती हैं, जिनके पैर फूल में स्वेलिंग हो जाती है, उनमें सूजन बन जाती है, अल्सर बन जाते हैं, तो इनको हम RFA से ही ठीक करते हैं। RFA जैसी टेक्निक में क्या होता है कि एक बहुत पतला फाइबर होता है जो इन
प्रॉब्लम की जो जड़ है, जो दो मेन शिराएं इस प्रॉब्लम की जड़ होती हैं जिन्हें हम ग्रेट सेफनस वेन कहते हैं या शॉर्ट सेफनस वेन कहते हैं, उन शिराओं में हम ये फाइबर डालते हैं और इन शिराओं को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट को यह प्रॉब्लम कभी नहीं होती है।